नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ एक्स में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं तेजी से फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं भारतीय, जानिए कैसे कर सकते हैं खुद का बचाव। तो चलिए दोस्तों, इस हेल्थ अलर्ट के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी इनेबल जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग पेट में लगातार दर्द, भारीपन और मरोड़ पड़ना जैसी समस्याओं को छोटी समझ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह फैटी लीवर के लक्षण हो सकते हैं। वसायुक्त यकृत यानी कि फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में बहुत ज्यादा फैट बनने के कारण होती है। इससे लीवर डैमेज, कैंसर और लीवर सिरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में समय रहते इसका इलाज करवाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इससे बचना। इसके लिए दोस्तों आपको बस अपने गलत लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि इस बीमारी से सिर्फ बेहतर खान पीन के जरिए बचा जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में फैटी लीवर के मामले तकरीबन 15% तक बढ़ चुके हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2017 और 18 की तुलना में इस साल नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज यानी कि NAFLD के मामले में 15% वृद्धि हुई है। हालांकि अभी तक कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो हर महीने कम से कम 10 से 12 नए मामले देख रहे हैं जो हर आयु वर्ग के हैं, यानी कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है फैटी लीवर। दोस्तों, फैटी लीवर ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है। लीवर में वसा यानी कि फैट की कुछ मात्रा का होना तो सामान्य बात है, लेकिन फैटी लीवर बीमारी व्यक्ति को केवल तब होती है जब वसा यानी कि फैट की मात्रा लीवर के भार से 10% अधिक हो जाती है। अतिरिक्त फैट जमा होने के कारण लीवर अपना काम करना भी बंद कर देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर फैटी लीवर के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, गलत खानपान के कारण आजकल लोग जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा इन कारणों की वजह से भी व्यक्ति को फैटी लीवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शरीर में विटामिन बी की कमी होना, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन, अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला आहार लेना, दूषित मांस, गंदा पानी, मिर्च मसालेदार चीजें खाना, पीने वाले पानी में क्लोरीन की मात्रा का अधिक होना, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित होना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल, हेपेटाइटिस ए बी या सी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक सेवन, फास्ट फूड और फ्राइड फूड का सेवन ज्यादा करना, इन सभी कारणों की वजह से व्यक्ति फैटी लीवर का मरीज बन सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं। भूख ना लगना, पेट में सूजन आना, छाती भारीपन और जलन, लीवर वाली जगह पर दबाने से दर्द होना, बदहजमी होना और पेट में गैस बनना, आलस्य और कमजोरी आना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, ये सभी फैटी लीवर बीमारी के लक्षण हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। नंबर एक, हर साल करवाएं फाइब्रोस्कैन। डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को हर साल फाइब्रोस्कैन, लीवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जांच करवाते रहना चाहिए। इससे समय रहते बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सकता है। नंबर दो, जरूरत से ज्यादा ना खाएं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दिन में पुरुष को 2500 और महिला को 2000 कैलोरी की जरूरत होती है, मगर फास्ट फूड, मिठाई, चावल और शराब के जरिए लोग ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इन चीजों से दूरी बनाएं। नंबर तीन, सही डाइट लें। दोस्तों, चावल में ज्यादा कैलोरी होती है, रात में चावल ना खाएं तो बेहतर होगा। तेल, मिठाई, बर्गर, पिज्जा जैसे वेस्टर्न फूड से भी परहेज करें। इसके अलावा डाइट में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा यानी कि फैट से भरपूर आहार का सेवन करें।
नंबर 4, दालचीनी का सेवन करें। अध्ययनों के अनुसार दालचीनी अपने एंटीऑक्सीडेंट और इंसुलिन सेंसिटाइजर गुणों के कारण लिपिड प्रोफाइल और NAFLD को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। नंबर 5, जरूरत अनुसार पानी का सेवन करें। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर 3 से 4 ग्लास पानी का सेवन जरूर करें, साथ ही दिन भर में कम से कम 7 या 8 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा भोजन करने के करीब 1 घंटे बाद ही पानी पिएं, साथ ही चाय या कॉफी से परहेज करें। नंबर 6, हर दिन करें एक्सरसाइज। नियमित तौर पर रोजाना 45 मिनट व्यायाम भी करें। हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट की शारीरिक गतिविधि से फैटी लीवर की समस्या को 75% तक कम किया जा सकता है। नंबर 7, शराब धूम्रपान से करें परहेज। दोस्तों, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि शराब से लीवर को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। नंबर 8, कैलोरी काउंट करें। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हें फैटी लीवर की समस्या अधिक होती है। ऐसे में अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो रोजाना ली जाने वाली कैलोरी की संख्या कम करें। वहीं अगर आपका वजन सही है तो कैलोरी की संख्या सामान्य रखें। नंबर 9, हल्दी। हल्दी कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। शरीर को स्वस्थ रखने और संक्रमण से बचाव रखने में यह बहुत उपयोगी है। इसके अलावा हल्दी का सेवन लीवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है। नंबर 10, ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी में कैचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लीवर फंक्शन को सही तरीके से चलाने और लीवर फैट से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। ऐसे में रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी जरूर पिएं। तो देखा दोस्तों, कैसे आप फैटी लीवर के कारण और लक्षणों के बारे में जानकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और अपना टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी का आसानी से इलाज किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया एक ऐसे हेल्थ अलर्ट के बारे में जो इंडिया में तेजी से फैल रहा है, और वो है फैटी लीवर, जिसकी समस्या लगभग 15% तक बढ़ चुकी है। और जानिए कैसे कर सकते हैं आप इससे बचाव। दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में बताई जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर कम से कम आपका 1 लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का 1 लाइक और 1 शेयर हमारे लिए बेहद मायने रखता है। और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।